किसान संघ ने बमोरी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कहा बमोरी मुख्यालय पर खाद की कमी को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा किसान करेंगे आंदोलन। आंदोलन में किसी भी प्रकार की समस्या का जिम्मेदार प्रशासन होगा। पिछले एक माह से परेशान है किसान। आज बमोरी तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसील में कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद न होने पर चौकीदार को ही ज्ञापन किसानों से सौंपा। गुस्से को भांपते हुए बमोरी पुलिस प्रशासन रहा मौके पर मौजूद। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने लिखित आवेदन देते हुए लिखा है कि समय रहते प्रशासन किसानों को खाद की समस्या का निराकरण करे, अन्यथा किसान संघ करेगा आंदोलन, जिसका पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। आपको बता दें कि गुना जिले में खाद की फैक्ट्री है, इसके बावजूद गुना में खाद राजस्थान से लाया जा रहा है। इसके बावजूद भी किसान खाद के लिए घंटों तक भूखे प्यासे लाइन में लगे रहते हैं, जिसके बाद उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ता है। जैसे तैसे अगर किसान का नंबर आ जाता है तो उसे एक या दो बोरी कट्टों में ही संतोष करना पड़ता है। आपको बता दें कि आए दिन किसान खाद की कालाबाजारी के आरोप सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी निजी दुकानदारों से सांठगांठ कर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों को खाद की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निजी दुकानदारों से दुगनी कीमत देकर खाद मिल पाता है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अभी पिछले दिनों राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भी जिला प्रशासन और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए पत्र लिखा था और कहा था कि खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए और किसानों को उनका हक की खाद उपलब्ध कराई जाए। गोदाम बाजरी पर खाद उपलब्ध होने के बाद भी हम किसानों को बाजरी पर खाद उपलब्ध होने के बाद हम किसानों आपकी बताइए खाद की और गाय परेशानी। खाद की आप सोसाइटी पे गए थे? गया था। क्या बोले? 5 कट्टे दिए और बाकी राजस्थान में दिया खाद। राजस्थान में किसने दिए? संतोष मुंशी ने दिए। और किसने दिए? तो राजस्थान में किस जरिए से पहुंचा रहे हैं उनको तो अधिकार ही नहीं। कोई रिश्तेदार लेवे उनका दाखड़ मीना कोई भी लेवे, मतलब कौन बनानी यहाँ का गांव का और फिर भी रिश्तेदार देवे राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान का खाद जो है राजस्थान सप्लाई करके और फिर ब्लैक में दिया जाता है। खाद यहाँ रिश्तेदार ले ले कोई, मतलब उनका खातेदार। हाँ। वो खातेदार भेजे फिर राजस्थान। अच्छा, मतलब ये होता है कि सोसाइटी का जो ऑपरेटर है वो अपने रिश्तेदारों को भेज देता है, ठीक है, तो फिर वो रिश्तेदार उस खाद को 2 नंबर में राजस्थान भेज देते हैं। तो राजस्थान से फिर आपको डबल रेट में इधर खरीद के लाते हैं। 400 रुपए कट्टा में दे, फिर आपको 400 में दिया। अच्छा, तो 267 रुपए का कट्टा आपको 400 रुपए में दिया। 300 में तो नहीं दिया, 67 रुपए की जगह 75 में। अच्छा, यहाँ पे ही 350 में दिया। 350 में दिया, 300 जाते हैं ये लोग। ट्राली में भर के ले जाओ और दिन में या रात में? दिन में थोड़ा दोपहर ले जा, दिन में मार सामने ले गया परसों के दिन। कितने कट्टे होंगे उसमें? होंगे कम से कम, नहीं तो 40-50 कट्टा से कम नहीं होगा। बिगर खाद के किसान पानी दे रहा मजबूरी में और खाद उपलब्ध होने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी खाद नहीं दे रहे हैं। किसान इस समस्या को लेकर के हम तहसीलदार साहब को अवगत कराने आए थे, यहाँ पर तहसीलदार साहब भी नहीं मिले, कोई भी कर्मचारी नहीं मिले। शासकीय गोदाम पर खाद नहीं मिलता क्या? जी नहीं मिलता है, गोदाम होते हुए भी नहीं मिलता है। अभी 3 बज गए, अभी तक खाद वितरण करने वाला अधिकारी अभी तक गोदाम पे आन के नहीं पहुँचा। खाद वितरण अधिकारी का नाम क्या है? खाद वितरण अधिकारी का नाम नायक करके है, नायक साहब करके, नायक साहब लगाते हैं वो। बमोरी से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।